Assalamualaikum dear students, civil second year engineering mechanics, chapter number 1, center of gravity, example number 1.7. Find the centroid of the given built up section. जो सेक्शन हमें दिया गया है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं. इसमें एक लीनियर रेक्टेंगल, इसके नीचे एक आई सेक्शन बना हुआ है. और ये बनेगा हमारा इस तरह से, ठीक हो गया जी. ये टी हो गया, इसके नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है. ये आई शेप हो जी. अब मैं इसको लेबल कर देता हूँ, इसकी डिमेंशन लगाऊंगा. तो ये 3 सेंटीमीटर है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा है वो 16 सेंटीमीटर, ठीक हो गया. ये वाला डिस्टेंस हमारा जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. और इसके अलावा टॉप में जो डिस्टेंस बताया 16 सेंटीमीटर जी, इसके अलावा और कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7. तो इसमें भी इसने कहा है कि सेंट्रोइड यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड एक ही चीज है. तो यहां भी हमने एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को सोल्व करने के लिए एक्सिस लगाते हैं. तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एक्सिस होगा ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, और वर्टिकल प्लेन में जो हमारा एक्सिस होगा वो हमारा वाई एक्सिस होगा. और जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे, ये पॉइंट जो है इस तरह से ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक हो गया जी. अब यहां पर क्या होता है कि हम एक्सिस लगाने के बाद इनकी डिवीजन करते हैं. तो हमने इसको देखा तो ये हमारे पास 4 रेक्टेंगल बनेंगे, 1, 2, 3, 4. अब हम क्या करते हैं इनकी नंबरिंग कर देते हैं. तो ये हमारे रेक्टेंगल नंबर 1, 2, 3 एंड 4. रेक्टेंगल डिवाइड करने के बाद हमने इसकी फिगर्स की डिवीजन कर दी. अब हम इसका एक फर्जी सेंटर लगा लेंगे. तो ये एक सेंटर हो जाएगा इसका, इस फिगर का सेंटर जो है हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस फिगर का सेंटर जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसका जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा, एक फर्जी पॉइंट हो जाएगा, ठीक हो गया जी. अब हम देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है. मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया कि सिमेट्रिकल डायग्राम में एक्स बार जो है वो फाइंड आउट करने के लिए ये सारी की सारी वैल्यू में x1, x2, x3, x4 ये 4 वैल्यूज होंगी. तो इसका जो एक्स बार है वो सब के लिहाज से सेम, क्योंकि x1 = x2 = x3 = x4. तो x bar = x1 = x2 = x3 = x4. तो इसका जो एक्स बार हमारा डायरेक्टली हम बेस 1 या 2 या 3 या 4, अब बेस 2 नहीं ली जा सकती, बेस 1 बेस 2 टू डिफरेंट है, 3 और 4 ये 3 एक जैसी हैं, बेस 2 डिफरेंट है. मगर हमने एक्स लेना होता है ओरिजिन पॉइंट से. तो इस तरह हमारा जो है सिमेट्रिक होने की वजह से ये डायग्राम हमारी है सिमेट्रिकल, जिस वजह से इसका जो ये एक्स एक्सिस में है सिमेट्रिक, तो इसका जो सेंट्रोइड एक्स है, एक्स बार जो होगा वो एक ही होगा, सबका एक जैसा होगा,
अब हम सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फिगर वन है ये इसकी बेस वन है, ये कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जो है हमारे पास वो बी वन है, ठीक है जी। और बी टू हमारे पास कितना है, यहां से यहां तक ये है बी टू 3 सेंटीमीटर, तो ये बी टू है। बी थ्री हमारे पास वो भी 16 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया जी, ये बी थ्री है। और बी फोर भी 16 सेंटीमीटर है। इसी तरह एच वन हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। एच टू 16 सेंटीमीटर, एच थ्री हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड एच फोर 2 सेंटीमीटर। एच वाली वैल्यू में ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर ये चीज ना होती और इसको दरमियान से काटा जाता तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाती, क्योंकि ये भी कट के ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाती और ये वाली वैल्यू भी बराबर होती, तो फिर ये प्रॉपरली हमारी जो होती ये हो जाती सिमेट्रिकल डायग्राम। अभी ये एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस में नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, हमें सबसे पहले एरियाज निकालने हैं। तो इसके एरिया निकालने के लिए हमें फिगर वन का एरिया निकालेंगे सबसे पहले। तो फिगर वन का एरिया होगा हमारे पास एक्स वन, और सॉरी हमने फिगर वन का एरिया निकालना है तो बी वन मल्टीप्लाई बाय एच वन, और बी वन की वैल्यू हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई बाय एच वन की वैल्यू है 3, ठीक हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास आता है 48। तो 48 सेंटीमीटर में यूनिट आ गई, तो स्क्वायर होगा। एरिया टू निकालेंगे फिगर टू का, तो वो हमारे पास आ जाती है बी टू मल्टीप्लाई बाय एच टू। तो बी टू कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और एच टू की वैल्यू हमारी 16, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकाली है बी थ्री, तो वो भी 16, यानी यहां पर आ जाएगा एरिया थ्री, तो आ जाएगा बी थ्री मल्टीप्लाई बाय एच थ्री। बी थ्री कितना है 16 सेंटीमीटर और बी एच थ्री वो भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना है एरिया फोर, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी फोर मल्टीप्लाई बाय एच फोर। तो बी फोर कितना है हमारे पास 16 और जो हमारे पास एच फोर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने क्या किया है, इन फिगर्स के एरिया निकालने हैं। अब हमने इसकी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मैंने आपको बताया है हमें एक्स वन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारा जो एक्स बार है ये हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी है, ये सिमेट्रिकल डायग्राम है इन एक्स एक्सिस, वो भी एक्स एक्सिस में। तो फिर हमारा अगर सिमेट्रिकल डायग्राम है तो एक्स बार के लिहाज से चाहे फिगर वन हो चाहे फिगर टू चाहे फिगर थ्री चाहे फिगर फोर, ये सारे के सारे जो है वो एक्स बार के इक्वल होंगे। तो सिंपल होगा कि अगर हमने एक्स बार निकालना है तो हमारी इस पूरी फिगर की जो बेस है वो 16 है, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि बी डिवाइड बाय टू, तो 16 डिवाइड बाय टू करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो एक्स बार होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है वाई बार, तो वाई बार के हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे जी। तो वाई बार के कंपोनेंट्स हमारे पास इस तरह से निकलेंगे कि उसके लिए हमें वाई वन वाई टू वाई थ्री और वाई फोर, ये चारों कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो जो वाई वन हमारा होगा, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका इन सबका सेंटर जो है वो ओरिजिन के लिहाज से एक ही पॉइंट पर है, ये देख सकते हैं आप, ये एक्स वन है और इसका सेंटर भी उधर है, यहीं पर एक्स टू है, इसी पॉइंट पर एक्स थ्री है, इसी पॉइंट पर एक्स फोर है। तो लिहाजा हमारा ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल होगी, तो ये हमारा एक्स बार होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने वाई वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिगर वन के सेंटर से लेकर ओरिजिन पॉइंट तक के सेंटर का फासला जो होगा ये हमारा वाई वन होगा, इसी से मेंशन कर देते हैं जी ये y1, और फिगर 2 के सेंटर से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो y2 है, ठीक है। सेंटर से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है y3 है, ठीक हो गया जी। और फिगर 4 के सेंटर से ओरिजिन पॉइंट तक का जो फासला होगा हमारा वो y4 होगा, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या निकालनी है, वैल्यू y1 की वैल्यू निकालनी है।
तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है कि ये फिगर जो है हमारी वन की हाइट है एच वन, एच वन डिवाइड बाई टू, ये एच का हाफ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि एच वन डिवाइड बाई टू, और एच वन अभी देखा हमने थ्री, थ्री डिवाइड बाई टू कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है इसके अंदर H2, यानी वहां पे हमने Y2 निकालना है, तो हमने H2 की वैल्यू को हाफ लेना है, और इसके अंदर हमने Y, यानी यहां पर जो वैल्यू लिखी गई है इसके मुताबिक यहां तक तो H1 है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है यहां तक H2 और ये उसका हाफ है, H2 का हाफ, तो इसका मतलब हमारा Y2 इक्वल टू हो जाएगा H1 प्लस H2 डिवाइड बाई टू, यानी यहां देखें कि H जो हमारा वन होगा उसको ऐड भी करना है और इसमें हमें एच टू का हाफ भी ले लेना है, तो एच वन हमारा थ्री है, एच टू की वैल्यू कितनी है यहां से यहां तक 16, तो याद रहेगा 16 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू बनती है हमारे पास 3 प्लस 8। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 9 10 11, तो ये वैल्यू है हमारी 11 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है वाई थ्री की वैल्यू, तो y3 की वैल्यू हमें ये फिगर 3 के सेंटर से लेकर ओरिजिन तक वर्टिकल एक्सिस में जो डिस्टेंस है ये हमारा यहां से यहां तक क्या है y, y3 है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास कि इस फिगर के यहां तक तो हमारे पास जो है ये यहां तक हमारे पास h1 है और इस पॉइंट तक हमारा है h2 और ये यहां से यहां तक h3, ये देख सकते हैं आप फिगर हमने कौन सी निकाली है थ्री, तो यहां से यहां तक एच थ्री और उसका हाफ लेंगे तो ये एच थ्री का हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर ये वैल्यू क्या बनती है हमारे पास कि हमने एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री का हाफ ले लेना है, तो एच वन कितना है हमारे पास थ्री और एच टू कितना है 16 प्लस एच थ्री की वैल्यू हमारी है यहां से यहां तक थ्री, अब यहां पर हमने क्या करना है थ्री का हाफ लेना, तो ये हो जाएगा हमारा 16 17 18 19, 19 प्लस हमारा हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 20.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा अब हम निकाल लेंगे y4, तो y4 की वैल्यू हमारे पास होगी कि हमारे पास जो है फिगर 1 यहां से यहां तक h1 और यहां से यहां तक जो है ये वाली फिगर 2 इसकी हाइट हो जाएगी h2 और उसके आगे ये वाली इस फिगर की हाइट एच थ्री यहां तक और उसके बाद फिर ये फिगर यहां से यहां तक जो हमारी हमारी एच फोर बनती है हमने उसका हाफ लेना है। अब यहां लिखेंगे एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर का हाफ, तो हम यहां क्या लिखते हैं एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर का हाफ ले लेंगे। एच वन की वैल्यू कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू हमारे पास 16, H3 की वैल्यू हमारी कितनी है हमने यहाँ पुट की है 3 और अब हमने H4 का हाफ लेना है, तो यहां से यहां तक हमारा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो H4 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो अब हम ऐड करते हैं तो 16 17 18 19 21 22 23 तो कितनी बनती है हमारे पास, इसको हम ऐड करते हैं 22 बनती है, यानी 6 यानी 3 प्लस 16 प्लस 3 तो ये हमारी बनती है 22, ओवरऑल हमारी ये प्लस 1 करके 23 सेंटीमीटर बनती है। अब हमारे पास y4 की वैल्यू भी आ गई है, अब हमने क्या करना है कि y बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो y बार का फॉर्मूला क्या होगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, ये फिगर 3 तक हुए उसमें चार फिगर्स हैं, तो प्लस a4 y4 ये भी मेंशन कर देंगे और डिवाइड बाय ए वन यानी एरिया वन, फिगर वन का एरिया, फिगर टू का एरिया, फिगर थ्री का एरिया और प्लस फिगर फोर का एरिया। अब हमने इसमें डाटा क्या करना है पुट करना है, अब इसमें डाटा पुट करेंगे तो ए वन जो है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 48, तो याद रहेगा 48 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट भी डाल सकते हैं और वाई वन की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस, अब हमारे पास एरिया टू कितना है 48 है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय वाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है 11 और प्लस एरिया थ्री कितना है वो भी 48 है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय वाई थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है 20.5
फाइव और प्लस आप हमने ए फोर की वैल्यू की वो 32 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय वाई फोर की वैल्यू कितनी 23, ठीक हो गया जी। और डिवाइड बाय हमने इन सब पे वैल्यूज पुट करनी है, तो एरिया 148, एरिया 248, एरिया 348 और एरिया 4 हमारा कितना है 32, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सब को सिंप्लीफाई करना है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ये वैल्यू बनती है हमारी 72, तो 72 प्लस अब हमने करना 48 मल्टीप्लाई बाय 11 ये आती है 528 प्लस अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 48 मल्टीप्लाई बाय 20.5 ये बनती है 984 प्लस अब हमने करनी है 32 मल्टीप्लाई बाय 23 तो इसका आ जाएगा 736 डिवाइड बाय इन सब को सिंपलीफाई करते हैं तो 48 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3 टाइम्स में 1 2 3 और इसमें ऐड कर देंगे 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा 176। अब हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो 72 प्लस 528 प्लस 984 और प्लस 736 तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 2320 डिवाइड बाय 176। अब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाय 176 ये वैल्यू बनती है 13.18 तो फिर इस तरह हमारे वाई बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.18 सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। जिस तरह उसने क्वेश्चन किया हमें कि ये दी गई फिगर का हमने सेंट्रॉइड मूव करना है तो हमने इसका एक्स बार और वाई बार की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना है।